चलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो वेलकम बैक टू हमारा चैनल फ्रॉम गल्फपॉइंट से। ठीक है चलो चलते हैं हम लोग, अभी डेली की तरह लॉटरी फेंकने चलेंगे। ठीक है अभी रात को पौने 11 हो गया भाई, 10:15 हो गया। ठीक है लॉटरी फेंकना चलते हैं, फिर आप लोग बताएं। हम लोग का दोस्त तो वेटिंग करके बैठे हैं। ठीक है चलो खेला IPL ख़त्म, गुजरात मार दिया पूरा। हाँ जबरदस्त खेला। आस्ते रोहित खान आउट हो गया। हाँ रोहित खान आउट, कैसा आउट हो गया वो मैं आके देखता था। मेरा लॉटरी अभी फेंकना हो गया और हम लोग का फैक्ट्री यही है ना। हाँ आजुल भाई, हाँ यही तो यही फैक्ट्री है, कोल्ड रूम है यही फैक्ट्री के अंदर में जितना में लफड़ा होता है इतना ही होता है। एक मिनट टाइम नहीं रहता, एक मिनट टाइम नहीं रहता बैठने का, एक मिनट टाइम नहीं रहता। इधर इमरान भाई जा रहे हैं उधर, क्या बात है, वो फोरमैन भाई वो पिक्चर भेजता है, कलाकार है भाई। और हाँ अब्दुल भाई इसके अंदर अंदर होने से एक मिनट टाइम नहीं मिलता, बाहर में कुछ नहीं है। सही है ना, सही बात है, क्या करेगा मजबूरी भाई। जितना दिन रनर इधर काम करेगा उतना दिन आपको सुनना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा अभी। सही है ना, क्या करेगा। गोल्डन रूल्स तो लाजिम होना चाहिए, तीन गोल्डन रूल्स है कंप्लाई, रिस्पेक्ट, इंटरवीन, तीन। तो वो सब फॉलो किधर होता है? फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, फॉलो करना पड़ेगा ना, फॉलो तो करना पड़ेगा। आपका इमरजेंसी नंबर है 2438 2467 5555, ये भी सब इमरजेंसी नंबर है। कौन हंस रहा है? नहीं नहीं वो मानी है, पाकिस्तानी सब उसे कर रहा है। हाँ पूरा ऐसे कर रहा है, डू नॉट इंटर, ओहो डू नॉट स्टॉप, डू नॉट इंटर बोल रहा है। हाँ भीतर जाया जाए ना, ठीक है पूरा सिस्टम लगा कर रखा है इधर, है ना? हाँ पूरा सिस्टम चालू है। ओ बैरिकेड देगा इधर से, पूरा बैरिकेड देगा भाई, बैरिकेड दे के बंद करके रखेगा ना, कोई आदमी इधर जा नहीं सकता। और पूरा ऐसा वो लगा दिया, पूरा अच्छा से लगा दिया। और बाद में एक दिन में आना पड़ेगा मेरे पूरा सेट देखने के लिए, बहुत खर्च कर दिया भाई कंपनी। हाँ बहुत पैसे खर्च कर दिए, पैसा है बहुत, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। क्या है ये ऑटोमेटिक खर्चा पानी बहुत है, सीधा सीधा हो जाता है, खर्च पानी बहुत है, बहुत खर्चा बोल रहा। अभी तो दिन में खाली चल रहा है, हाँ दिन में आपको सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक इसीलिए सोलर सिस्टम में काम चलता है, बाद में रात में और पावर। चलो अंदर अंदर चलो दिखाता हूँ, चलो इधर चलते हैं, सोलर सिस्टम है, ये पानी पीने का जगह है, खुला रहे। क्या बात करता है, क्या बात करता है, क्या होता है, कौन बाहर का गरीब मानुष, अल्ले अल्ले क्या करेगा, अल्ले अल्ले
খুবই একটা ভালো ছেলে না, কমেন্ট করবে লোকে, বলবে কাজ দিচ্ছে, কি বলিছি মানে ডান্ডা করে আমার বলছে তো ডান্ডা ডান্ডা আজ বাড়ে এই জীবনই এটা তো সুমন নেই স্ট্যান্ড সুমন গাজি ডাকছিল তো মোটু, কে মোটু? মোটু মোটু এটা আমাদের লাখবের, আরে ঘরের ভিতরে আছে, তোমার মাথার টুপি কেন, কালো টুপি কেন, সব কাম অফিস খতম করে আ চুকা হ্যাঁ, অফিস হো গিয়া ডিউটি খালাস করকে আয়া আপ লোক থোড়া সব মিল কে লাইক দেনা কা এক আদমি কোকেং কাটিং আর এক আদমি সালাদ কাটিং এক আদমি ডাইং এর ওইটার সামনে পিছে সবই পুরা গাঁও মে আছি কেমন বাংলাদেশি পাকিস্তানি হিন্দি ইন্ডিয়ান নেপাল সব কেরালা নেপালি সব ইদার আদমি লোক কাম করতে না ওই যে সব বড় বড় অফিসার লোক আছে পুরা বড় বড় অফিসার লোক হ্যাঁ এই যে অফিসার হ্যাঁ কোন কোন হই যান আমাদের 34 নম্বর এখন অন্যরকম হয়ে গেছে, জাতিসংঘ রোড সেই রাস্তা করেছে চাকদার রোড হেভি করেছে এখন আমাদের রানাঘাটের রোড সেই করেছে ঘুমঘামকে মজা মস্তি করকে ऐसे भाई इधर का कहानी डेली का कहानी भाई दोस्तों मर रहा हुआ जिंदगी है विदेश का लाइफ आप लोग सोचे खाली पैसा है बस कुछ नहीं है जो पैसा है घर मिलेगा पूरा वैनिश आज 10 खर्चे कल 20 खर्चे कल ऐसे कर दो सब जितना भी सैलरी आता है खलास से पैसा नहीं बचता है एक हाल अपना लाइफ भी डैमेज ऐसा है और सुबह से शाम तक काम करो एंजॉयमेंट कुछ नहीं इधर एंजॉयमेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है आओ काम में बस रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो जाओ थोड़ा सा मोबाइल देखो बस सो जाओ बाद में आपको क्या है कि सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे जिसका जो ड्यूटी का रोटेशन रहता है इस तरह से ड्यूटी जाओ रोटेशन जाओ सारा दिन ड्यूटी करो शाम को आओ खाना वाना खाओ रूम में इधर जाने का नहीं इधर भी जाने का इधर ऑप्शन नहीं है जिस लोकेशन में रहता हूँ उस लोकेशन से ठीक है सिटी में रहेगा तो सिटी में रहते खर्च ज़्यादा है इधर थोड़ा ऐसा है और एक एक खर्चे बचा बचा कर हम लोग
घर में पैसा भेज देते हैं, घर वाला पूरा पैसा खर्च करते हैं, खलास। आज एक्स प्रॉब्लम है, कल वाई प्रॉब्लम है, कल बी प्रॉब्लम है, कल सी प्रॉब्लम है, हर महीना में एक एक प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है और सॉल्व करते करते सारा ज़िंदगी चला गया। मैं तो 3 साल के लिए आया था इधर, मैं 3 साल के लिए आया था, मैं सोचा था मैं 3 साल बाद मैं चल जाऊँगा, अभी मैं 8 साल हुआ कुछ नहीं कर पाता, क्या करेगा ऐसे। नहीं, राम कहानी ऐसे भाई, विदेश का लाइफ ऐसे, एक एक आदमी तो 30 साल 35 साल से इधर ही है, हमारा साथ काम करता है, ठीक है, 30 साल 35 साल से इधर ही है, लोग भी सोचा नहीं था ऐसा करेगा, ठीक है। बस ये कहानी, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लिप फिर मुलाकात करता हूँ हम लोग साथ, ओके चलो चलता हूँ।